देखिए जगत जननी माँ भवानी की कृपा से आज हमारी मंदिर कमेटी ने एक नया इनोवेशन नया प्रयोग किया है। ये हमारे पास पहले शव वाहन थे, अब जो है हम मृतक लाशों के लिए शवों के लिए हमने डीप फ्रीजर लिए हैं और दो डीप फ्रीजर ये गाड़ी में उपलब्ध रहेंगे। हमारे सचिव महोदय संजू भाई गए दिल्ली से और ये व्यवस्था करके लाए हैं। ये मंदिर कमेटी का निर्णय था, मंदिर कमेटी ने निर्णय किया कि ये डीप फ्रीजर की शहर में बहुत आवश्यकता है, इसलिए डीप फ्रीजर है और इस डीप फ्रीजर का निःशुल्क है। परंतु इसके लिए जो भी इसका मांगेगा, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में दाह संस्कार जो होते हैं वो सब सूर्यास्त के बाद नहीं होते, तो सूर्यास्त रात को अगर कोई डेथ हो जाए तो फिर वो लाश को रखनी पड़ती है, लाश रखते हैं तो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसलिए इन डीप फ्रीजरों की महती आवश्यकता है। हमारे पास कोई भी डीप फ्रीजर के लिए आएगा तो हम उससे 5,000 रुपये डिपॉजिट के रखेंगे, जब वो हमारा डीप फ्रीजर लौटा जाएगा तो उसको तुरंत जो है डीप फ्रीजर के पैसे वापस दे दिए जाएंगे। और इसके लिए हमने ये तय किया मंदिर कमेटी में सभी सदस्यों ने कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो नगर निगम सीमा में ही है, कोई मतलब जिले में या जिले से मतलब शहर की नगर निगम सीमा से बाहर भेजने में हम असमर्थ हैं। मंदिर की आमदनी से आया ये फ्रीजर? जी मंदिर की आमदनी नहीं, लोगों के जो दिया हुआ है, जो लोगों का पैसा है, जो लोग यहाँ चढ़ाते हैं उसके एक एक पैसे का हम सदुपयोग करते हैं। हमने यहाँ आरओ प्लांट लगा रखे हैं, हमने यहाँ दवाइयाँ देते हैं, हम यहाँ बड़े ऑपरेशनों में पैसा देते हैं, हमने शव वाहन चला रखे हैं, अब हमने जो है ये डीप फ्रीजर ये माता रानी के ही हैं, ये सब हमारा इसमें, हम तो यहाँ के नौकर हैं, हम यहाँ के चाकर हैं, जो कुछ है हमारी तो माँ ही वो है और वो जो आदेश कर देती है वो हम करते हैं। लगभग कितने का ये डीप फ्रीजर होगा? ये है 3.5 लाख का। कितने डीप फ्रीजर? दो हैं। जय माता की। माता रानी के यहाँ जैसे कि पूर्व में जो थी जो शव वाहन थे लगा रखे थे, माँ की कृपा से जैसे कि पहले तो शव यात्रा के लिए निःशुल्क सेवा थी, अब अंतिम दर्शनार्थ के लिए एक सेवा माँ ने दी उपलब्धि कि जिस प्रकार की माँ के यहाँ सेवा जो दोनों थी वो निःशुल्क रहेगी, क्योंकि जैसे लोग बाग आएंगे तो जिस प्रकार की आज के ज़माने में पब्लिक समय कम होता है तो माता के यहाँ से वो शव वाहन ले जाते हैं और शव यात्रा निःशुल्क होती है माँ के यहाँ से। अच्छा उसी प्रकार अब माँ के यहाँ से जैसे ही कृपा हुई तो अंतिम दर्शनार्थ भी माँ के यहाँ से सेवा फ्री हो रही है और ये अब हमारे यहाँ से चालू कर दी गई है। अब जिस किसी को आवश्यकता है वो आके यहाँ से ले जाए और जब तक लोग दर्शन नहीं करें जब तक माँ के यहाँ काम होता है। कहाँ से संपर्क करेंगे लोग इसको ले जाएं? इसके ले जाने के लिए मंदिर के ऑफिस में संपर्क करेंगे, इसके बाहर साइड में गाड़ी के बाहर नंबर लिखा दिए गए हैं, उस नंबर पर आके संपर्क करें और वहाँ आके हमारे ऑफिस के अंदर जो बैठा रखा हमने मैनेजर ऑफिस में बाबू है वो आके संपर्क करेगा और वो उनको बुक कर देगा और वो आके तुरंत वहाँ से ले जाएगा। जय माता।